नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PLCRDHM एजुकेशन के अंदर। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ पशुधन सहायक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो नंबर 22, जो कि आपके एनिमल न्यूट्रिशन पशु पोषण सब्जेक्ट से लिया गया है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, पहली बार है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा ले, जिससे कि मैं आपके लिए जितने भी वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप उस वीडियो के लिए एक्टिव हो जाए। तो साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ओर। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गर्भित बकरी को अच्छे चारागाह पर चलने के बाद भी कितना किलो दाना प्रतिदिन देना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गर्भित बकरी को अच्छे चारागाह पर चलने के बाद में भी कितना किलो दाना है वो प्रतिदिन देना चाहिए। तो उस दाने की जो मात्रा है प्रतिदिन देने की, वो 0.2 से 0.7 किलो है। तो ये दाना है जो अच्छे चारागाह पर चलने के बाद भी गर्भित बकरी को प्रतिदिन के हिसाब से देना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाओं में कैल्शियम की कमी से होता है, युवाओं के अंदर कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। तो इसके अंदर बी ऑप्शन आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु अनुपात NR गणना का कौन सा सूत्र सही है। पशु अनुपात NR का जो गणना सूत्र है वो TDN माइनस DCP बटे DCP है। तो इसके अंदर ए ऑप्शन वाला सूत्र है वो इसका राइट सूत्र होगा। TDN का मतलब होता है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, और DCP का मतलब होता है डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन। तो दोस्तों, इसके अंदर ए ऑप्शन वाला सूत्र है वो इसका राइट आंसर है, पोषण अनुपात का गणना का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे उपचारित भूसा 4% घोल करके 4 माह तक काम में लिया जा सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। निम्न में से किससे उपचारित भूसा 4% घोल करके 4 माह तक काम में लिया जा सकता है। तो यह CaOH2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके द्वारा 4% घोल पर भूसे को उपचारित करके 4 माह तक काम में लिया जा सकता है। तो सी ऑप्शन आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा को उपचारित करने हेतु KOH का कितना प्रतिशत घोल काम में लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक्स्ट्रा को उपचारित करने हेतु KOH का कितना प्रतिशत घोल काम में लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं KOH की। KOH की फुल फॉर्म होती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और इसकी जो मात्रा होती है जो उपचारित करने घोल की, वो 12% होती है। तो इसके अंदर बी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाने को दलकर ग्राइंडिंग पशु को खिलाने से पाचकता बढ़ती है। दाने को ग्राइंडिंग करने के बाद में पशु को खिलाने से पशु की जो पाचन शक्ति है वो बढ़ती है। तो इसके अंदर बी ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमन में कौन सा विटामिन का संश्लेषण हो जाता है। रूमन में कौन से विटामिन का संश्लेषण हो जाता है। तो वो विटामिन के व विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यानी इसके अंदर बी व सी यानी डी ऑप्शन है वो आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतः स्वच्छ पशु को शरीर बाहर का कितना प्रतिशत सूक्ष्म पदार्थ देना चाहिए। साधारणतः पशु को शरीर बाहर का कितना प्रतिशत सूक्ष्म पदार्थ देना चाहिए। तो 2.5% सूक्ष्म पदार्थ शरीर बाहर के प्रतिशत का देना चाहिए। तो इसके अंदर सी ऑप्शन है, 2.5% आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा अल्फा को कहते हैं, अल्फा अल्फा को हम ल्यूसर्न्स कहते हैं। तो इसके अंदर सी ऑप्शन आंसर है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपके एक लाइक से हमें नया मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आए। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के चारे में DCP होता है। गेहूं के चारे में डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन का जो परसेंट होता है लगभग 0% होता है। तो इसके अंदर डी ऑप्शन है वो आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के बीट से बनी साइलेज को कहते हैं। पक्षियों के बीट से बनी साइलेज को हम वास्टेलेज साइलेज कहते हैं। तो इसके अंदर बी ऑप्शन है वो आंसर है। पक्षियों के बीट से बनी साइलेज को कहते हैं, तो वास्टेलेज साइलेज होता है। तो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबबुल में कौन सा टॉक्सिक होता है। सुबबुल में जो टॉक्सिक होता है वह मीमोसिन टॉक्सिन होता है।
बी ऑप्शन आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, सुबोबुल में कौन सा टॉक्सिक होता है, तो मिमोसिक टॉक्सिक है बी ऑप्शन आंसर। और मिमोसिन जो टॉक्सिन है उसके लक्षण है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, गंजापन आ जाता है, गर्भपात होता है, ये इसके लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्लू टंग नामक रोग किसकी कमी से होता है। मनुष्य में ब्लू टंग नामक रोग है वो निकोटीन एसिड की कमी से होता है, सी ऑप्शन आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भूसे को उपचारित करने में पाचकता होती है, भूसे को उपचारित करने के अंदर जो पाचकता का परसेंट होता है वो 70% होता है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेज या हे बनाने हेतु पौधे को किस अवस्था में काट लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साइलेज या हे बनाने हेतु पौधे को किस अवस्था में काट लेना चाहिए, तो इसे फूल आने पर काट लेना चाहिए, फूल आने की अवस्था पर काट लेना चाहिए, तो इसके अंदर सी ऑप्शन आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हे में डीसीपी होता है, हे में डीसीपी की जो मात्रा होती है दोस्तों 1 से 3% के बीच में होती है, हे में डीसीपी की मात्रा 1 से 3% होती है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन है और राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेज बनाने की विधि के दौरान उसका तापमान होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइलेज बनाने की विधि के दौरान उसका जो तापमान होता है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है, 38 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 किग्रा शारीरिक भार वाले पशु को प्रतिदिन कितना साइलेज खिलाना चाहिए। 100 किग्रा शारीरिक भार वाले पशु को प्रतिदिन 5 किग्रा साइलेज खिलाना चाहिए, बी ऑप्शन आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फफूंद युक्त किण्वन या हे का रंग होता है, फफूंद युक्त किण्वन हे का जो रंग होता है वह भूरा होता है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गाय के लिए सूक्ष्म पदार्थ की आवश्यकता होती है, भारतीय गाय के लिए सूक्ष्म पदार्थ की आवश्यकता होती है, यह 2.5 kg पर 100 kg शारीरिक भार के हिसाब से होती है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन आंसर है, 2.5 kg पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से, तो ए ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी गोवंश या भैंस में सूक्ष्म पदार्थ की आवश्यकता, विदेशी गोवंश और भैंस में जो सूक्ष्म पदार्थ की आवश्यकता होती है वो 3 kg पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से होती है, तो बी ऑप्शन होगा इसके अंदर। तो देसी गायों में 2.5 kg पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से, और विदेशी गोवंश के अंदर या भैंस के अंदर 3 kg पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से, तो बी ऑप्शन इसमें आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 माह की अवधि कि गर्भित गाय को प्रतिदिन कितना दाना देना चाहिए, 6 माह की अवधि की गर्भित गाय को प्रतिदिन 1 kg दाना देना चाहिए, डी ऑप्शन आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रोटीन टेंडन व धमनियों में होता है, किस प्रकार का प्रोटीन टेंडन व धमनियों में होता है, तो वह इलास्टिन प्रकार का प्रोटीन है, तो बी ऑप्शन इसमें आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का ग्लाइकोसाइड रेपसिड सरसों गाजर व गोभी में होता है, तो यह ग्लूकोसाइनोलेट्स है, ग्लूकोसाइनोलेट्स प्रकार का जो ग्लाइकोसाइड रेपसिड सरसों व गाजर गोभी में होता है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा विषाक्तता वाला लवण है, सबसे ज़्यादा विषाक्तता वाला लवण वह सेलेनियम है, तो डी ऑप्शन आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूसन बरसीम को अत्यधिक मात्रा में पशु को खिलाने से कौन सा रोग होता है, ल्यूसन बरसीम को अत्यधिक मात्रा में पशु को खिलाने पर डिस्पेप्सिया नामक रोग हो जाता है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊष्मा उत्पादित होती है, 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पादित ऊष्मा की जो मात्रा होती है 4.1 किलो कैलोरी होती है, तो सी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस बटे सी चर्बी की परत किस प्राणी में अत्यधिक होती है, तो यह सुअर के अंदर होती है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होने से कितनी ऊष्मा उत्पादित होती है? 1 ग्राम वसा का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होने से 9.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पादित होती है। तो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भेड़ जिसका वजन 30 केजी है उसे प्रतिदिन कितने टीडीएन की आवश्यकता होगी? तो उसे 400 ग्राम टीडीएन की आवश्यकता होगी, बी ऑप्शन आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन को सीपी में बदलने के लिए किससे गुणा करना चाहिए? नाइट्रोजन को सीपी में बदलने के लिए 6.39 से गुणा करना चाहिए, तो बी ऑप्शन आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ग्लूकोज के एक अणु को पूर्ण रूप से CO2 व H2O में ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो कितने मोलोकुल ATP मिलते हैं? जब ग्लूकोज के एक अणु को पूर्ण रूप से CO2 व H2O में ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो कितने मोलोकुल ATP मिलते हैं? तो वो 38 मोलोकुल ATP होते हैं, डी ऑप्शन आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन CHO नहीं है? निम्न में कौन CHO नहीं है? तो यह एसिटिक एसिड है जो कि CHO कॉम्प्रेहेंसिव हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत नहीं आता, एसिटिक एसिड, तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन नामक एंजाइम कहाँ बनता है? रेनिन नामक एंजाइम है वो आमाशय के अंदर बनता है, बी ऑप्शन आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन लगभग 50 किग्रा शारीरिक वजन दूध देने वाली बकरी को कितना प्रतिशत DM चाहिए? प्रतिदिन लगभग 50 किग्रा शारीरिक वजन दूध देने वाली बकरी को 3.5 से 4.0 DM की आवश्यकता होती है, तो बी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध में कितना प्रतिशत केजिन होता है? गाय के दूध में 2.5% केजिन होता है, तो ए ऑप्शन आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हे में कितने प्रतिशत से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हे में कितने प्रतिशत से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए? तो यह 15% से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, सी ऑप्शन आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय का कौन सा भाग गाय के बच्चे में 1 माह में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है? आमाशय का कौन सा भाग गाय के बच्चे में 1 माह में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है? तो एबमजम भाग है, 1 महीने में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, ए ऑप्शन आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ को 6 से 8 सप्ताह के गर्भकाल के बाद जो अतिरिक्त दाना दिया जाता है उसे कहते हैं, भेड़ को 6 से 8 सप्ताह के गर्भकाल के बाद जो अतिरिक्त दाना दिया जाता है उसे स्ट्रीमिंग कहते हैं, स्ट्रीमिंग अप, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा भेड़ को प्रजनन के 3 से 4 सप्ताह पूर्व एक विशेष प्रकार का राशन उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ाने, अधिक बच्चे पैदा हो सके ने के लिए देते हैं उसे कहते हैं, तो उसे फ्लसिंग कहते हैं, बी ऑप्शन आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नर भेड़ रैम को प्रजनन काल में कितना दाना प्रतिदिन देना चाहिए? नर भेड़ रैम को जो प्रजनन काल के अंदर 250 से 500 ग्राम दाना देना चाहिए, सी ऑप्शन आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट शर्करा है, फ्रूट शर्करा एक फ्रक्टोज है, तो सी ऑप्शन है, फ्रूट के अंदर फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दाने में क्रूड फाइबर कितना प्रतिशत होता है? दाने में क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से कम होती है, तो बी ऑप्शन आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सोक्स हेल्थ उपकरण से क्या नापा जाता है? तो इसे इथर एक्सट्रेट मापा जाता है, तो ए ऑप्शन आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय।